हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस क्या होंगे बीएफए एंट्रेंस एग्जाम के, जो कि आप लोग लगातार कमेंट में मुझसे पूछ रहे। एंड सेकेंड, मैं ये बताने वाली हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, मतलब बढ़ा दी गई है। लेकिन ये सारी जानकारी देने से पहले क्या करना है आपको, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिए, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बात करते हैं कि जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वो 31 मई थी, और अब बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 20 जून कर दिया गया। स्टार्टिंग डेट थी फॉर्म भरने की 2 अप्रैल और लास्ट डेट थी 31 मई, लेकिन अब बढ़ा करके 20 जून कर दिया गया। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, भरना चाहते हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, अब फटाफट भर दीजिए। और ये भी बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है वो कितनी लगेगी, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की फी लगेगी आपकी 800 एंड बाकी अदर एसटी एससी वालों की फी लगेगी 400। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस बता दूं कि 2 पार्ट में लिया जाते हैं। पहला पार्ट आपका हो गया थ्योरी और दूसरा पार्ट हो गया प्रैक्टिकल। चूंकि 2 साल से प्रैक्टिकल एग्जाम लिया नहीं जा रहा, ना 2020 में लिया गया ना 2021 में लिया गया, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि 2022 में लेने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इस बार लिए जा सकते हैं, लेकिन थ्योरी तो कंपलसरी है, वो आना ही आना है। ठीक है, तो थ्योरी में आपके सिलेबस के आप ये पूछना चाह रहे हैं मैं क्या पढ़ूं, तो सिंपली आप राशि रस्तोगी की बुक पढ़ जाइए, या फिर आप जो भी मैंने अपने वीडियोस में अपलोड कर रखा है वो सारे क्लासेस पढ़ जाइए, उसी से क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही जीके में भी मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन अगर आप और भी जीके से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर से थोड़ा अपडेट रहे, और ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, इतनी ही आपको थ्योरी में पढ़ना है। एंड यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जब थ्योरी के एग्जाम होंगे तो सिर्फ 1 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे अच्छी बात है निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड आते हैं प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है आपको, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ तो वो एक कंपोजिशन और स्टिल लाइफ, और दोनों के लिए आपको 1-1 घंटे का समय मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1-1 घंटे का, इसी में आपको कंप्लीट करना है। एंड दूसरी बात करें कि आपको सीट कैसी प्रोवाइड की जाएगी, तो A3 सीट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बाकी सिर्फ कॉलेज की तरफ से सीट मिलेगी, आपको सारे मटेरियल खुद से लेके जाने हैं। अब इसमें सिलेबस की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल में 2 है आपका, पहला तो कंपोजिशन, दूसरा मेमोरी ड्राइंग। तो कंपोजिशन में किस तरीके का कंपोजिशन लर्न करें, है ना, तो इसमें मेमोरी ड्राइंग आता है, कोई प्रस्पेक्टिव ड्राइंग नहीं आएगा बीएचयू की तरह, सिर्फ मेमोरी ड्राइंग आएगा। तो वैसे मेमोरी ड्राइंग को रट जाइए जो आने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है ना, तो बता दो कि कंपोजिशन में मेमोरी ड्राइंग आता है, और जिसमें आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, इस 3 टॉपिक में कोई 1 टॉपिक आपको बनाने हैं। तो बात करते हैं कि ऐसे किस टॉपिक की प्रैक्टिस किया जाए जो आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक से मैच हो जाए। तो उसके लिए आप मार्केट सीन, डेली लाइफ, मार्केट सीन और डेली लाइफ के लिए 1 कंपोजिशन की प्रैक्टिस करना इनफ रहेगा, क्योंकि जो आप मार्केट सीन के लिए बनाएंगे वो डेली लाइफ के लिए भी होगा, लाइक सब्जी मंडी। ठीक है, डेली लाइफ में भी है हमारे, और मार्केट सीन का भी हिस्सा है। उसके बाद है आपका टी स्टॉल जो पूछा जाता है, विलेज लाइफ, है ना, फेयर पे कर लीजिए, कोई मेला पे, एंड फेस्टिवल पे। ये 5 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से कोई ना एक टॉपिक मैच कर ही जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपने 5 टॉपिक लर्न कर लिया, आपका हो गया। एंड सेकेंड रहा स्टिल लाइफ, कि स्टिल लाइफ में किस तरीके के ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करें, प्रैक्टिस करें। तो मैं बता दूं कि लैंप हो गया, कैटली हो गया, ठीक है, प्लस पोट विथ फ्लावर, गमला के साथ जो फ्लावर लगे रहते हैं उसका हो गया, और सेकेंड है वेजिटेबल, जैसे कि कद्दू हो गया, है ना, कोई बड़ा सा कोई वेजिटेबल इसको काट के रख दिया गया हो तो उसकी प्रैक्टिस करें आप। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें, कोई भी बर्तन है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाल्टी है जिसमें कपड़े डले हुए, आधे कपड़े बाहर आधे कपड़े बाल्टी के अंदर इन है, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या बाल्टी में मग कंपोज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब कॉमन स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट है जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी पे आप प्रैक्टिस करें। साथ ही बैग, जो स्कूल बैग होता है उसकी प्रैक्टिस कर ले, सूज की प्रैक्टिस कर ले, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये सब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी लेके प्रैक्टिस कर लिया, अगर आप ये सब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो सिलेबस में बस यही सब तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, यही सब तरीके से, तो सिलेबस में बस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप तो यही सबकी प्रैक्टिस करनी है। तो सिलेबस में बस आपका यही रहेगा थ्योरी, स्टिल लाइफ और कंपोजिशन, और आपको यही सब चीज़ें जो पढ़नी हुई जो मैंने बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।